गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस सोनिया जलाजी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर। और आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वांटेड टॉपिक बाय फीमेल फॉलोअर्स। ज्यादातर हाउसवाइफ्स और वाइफ जो है वो मुझे टिप चाहती हैं कि मैं बताऊँ कि कैसे हस्बैंड को खुश रखा जाए, मैरिज को और सफल कैसे बनाया जाए, कैसे हस्बैंड को काबू में रखा जाए। तो मैं आज ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। लेकिन अगर ये कोई वीडियो जेंट्स देख रहे हैं तो अच्छे पति की तरह ये जो वीडियो है ये मोबाइल फोन है, जाके अपनी वाइफ को दे दीजिए। बिकॉज आज जो टिप्स मैं उनको बताने वाली हूँ वो आपके ही फायदे की। अगर वो अप्लाई करना शुरू कर देगी तो आपका लाइफ और भी बेटर बनेगा। और अगर ऑलरेडी आप एक फीमेल है, एक वाइफ है या एक गर्ल है, तो भाई आगे चल के आपको ये काम में आने वाला है। तो ध्यान से सुनिए कुछ पॉइंट्स, और इसमें से जो पॉइंट्स अच्छे लगे उसको अप्लाई करें। मैंने तो इसके एप्लीकेशंस देखे हैं काफी लोगों के अंदर, जिसको भी मैंने टिप्स बताई उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि उन्होंने कहा है कि हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई है पहले से मैरिज में, और हैप्पीनेस बढ़ गई है और हस्बैंड की बात भी ज्यादा मानने लग गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन जो आपको करना है इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अपने आप को इतना ज्यादा काम में बिजी रखो कि जब ससुराल में जाओ कि आप 3 साल डेडिकेट करो कि जब आपकी शादी होती है काम के लिए। तो काफी लोग जब आते हैं शादी करके तो मम्मी घर पे एडवाइस करती है, बेटा तू जा रही है अपने ससुराल, ज्यादा काम मत करियो, वहां पर बहुत काम कराएंगे, तो तू दिखाना मत तेरे पास ये टैलेंट है वो टैलेंट है, तुझे दिन भर काम कराते रहेंगे। तो काम चोरी जो है ना, वो थोड़ा सा कुछ लोग ब्रेन वॉश होकर आते हैं। तो मैं कहूंगी कि काम चोरी बिल्कुल ना करें। आप जब एक नए घर में जा रहे हैं आपको एक अपनी इमेज बनानी है ऐसी कि वो जान जाए कि आप काम चोर तो बिल्कुल नहीं है। बाद में एक ऐसा ऑटोमेटिक समय आएगा कि वो लोग ही आप नहीं चाहेंगे कि ज्यादा काम करें, वो समय आएगा। लेकिन शुरुआत में आप अपनी इमेज क्रिएट करो काम करके, कर्म करो, काम करो। दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ से काम लेकर आप करिए। 3 साल अपने आप को दीजिए इस तरह से, तो आपका एक इमेज जो बनेगा काम करने वाला वो अपने आप आपको अप्रिशिएशन लाएगा। अब इसमें होगा ये कि पहले तो अपनी आदत लगाओ लोगों, जैसे कि हर एक इंसान आदत से मजबूर होता है कि जब हम जैसे शादी भी करते हैं अपने हस्बैंड से शादी की, तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट जो है वो अगर हम पूरी करते हैं तब वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसी तरह वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तब हमें उनसे प्यार होता है। प्यार तो है लेकिन उसके साथ चीजें भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके पति प्यार बहुत करते लेकिन कमाते नहीं है तो क्या ऐसा पति चलेगा? नहीं। अगर आपके पति बहुत कमाते लेकिन प्यार नहीं करते तो क्या ऐसा पति चलेगा? नहीं। यानी आपकी भी कोई नीड्स है, जरूरतें हैं, तो उसी तरह हस्बैंड्स की भी कुछ जरूरतें होती हैं। आप उनको अपना आदि बनाएंगे ये आपको करना होगा। तो आदि बनाने के लिए क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं के मुझे छोड़कर आए हैं 6-6 महीने होंगे, मुझे लेकर ही नहीं जाते। तो मैं कहती हूँ कि कोई काम अटक रहे हैं आपके नहीं रहने से वहां? तो बोले नहीं, वो तो मम्मी उनकी खाना खिला देती है और बाकी तो क्या, दिन भर हम टीवी देखते हैं और करते क्या है। तो भाई यही तो बड़ी मिस्टेक है। आप ऐसा कुछ माहौल पैदा करिए घर में कि जब आप ना हो तो उनको एक एक मिनट आपकी कमी खा ले, तब जाकर उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, आदत लगाएं। उसके लिए हमको क्या करना है कि जैसे कि वो घर पर आते हैं तो घर पे आते ही सबसे पहले उनको ठंडा ग्लास पानी और बोल दीजिए। यानी जब भी वो आएंगे अगर आप घर पे नहीं मिली तो वो ठंडे ग्लास का पानी का ग्लास और वो गुड़ जो है मिस करेंगे। और जब वो खाना खाने बैठे तो तब आप उनके साथ खाना खाएंगे, और जब आप उनके साथ खाना खाएंगे तो उनका एक हैबिट बनेगा आपके साथ खाना खाने का, तो ये भी उनको याद दिलाएगा जब वो अकेले खाना खाएंगे आपको जरूर मिस करेंगे। और मैं तो कहती हूँ सोने पे सुहागे, एक और काम कर दीजिए, एक ही थाली में खाना खाइए। जॉइंट फैमिली में रहते तो ऐसा मत करिएगा, या तो अपने कमरे में ले जाके आराम से खा सकते हैं आप। लेकिन अगर प्राइवेट अगर आप रहते हैं, दो ही लोग रह रहे हैं साथ में, तो आप डेफिनेटली इसको करिए, एक थाली में खाना खाइए। उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, प्यार बढ़ता है। सोने पे सुहागा एक और चीज कर सकते हैं कि जब एक ही थाली में खा ही रहे हैं तो क्यों ना अपने हाथों से अपने हस्बैंड को आप खाना खिलाए। कि देखिए आपका हस्बैंड हमेशा आपको कहते हैं कि मेरी माँ से ग्रेट और कोई नहीं, मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है, मेरी माँ के हाथ का खाना तो ओहो क्या स्वादिष्ट है। तो भाई माँ की इतनी तारीफ क्यों की है? बिकॉज वो माँ के हाथ के निवाले खाए हैं, उनके हाथों से खाना बचपन में उन्होंने खाया है। और हर एक हस्बैंड दिल से बच्चा ही होता है, सिर्फ इतना है उनका शरीर बड़ा हो गया लेकिन आज भी वो माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं। तो आपको उनकी वो माँ बनना होगा। तो आपको आज से क्या करना है कि जब एक थाली में खाना खाए या ना खाए, उनको दो निवाले तो अपने हाथ से आपको खिलाना ही है। हो सके तो पूरा खाना ही खिला दीजिए, इससे भी बहुत प्यार बढ़ता है। और आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शाम को कि जब हस्बैंड पूरे दिन में थकावट करते हुए काम करते हुए घर पर आते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो बाकी का पूरा टाइम आपकी आंखों में आंखें डालकर बिताएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। आप दिन भर किचन में रहते फिर लगता है ना कि टीवी देखो,
उनको भी मन करता है टीवी देखने का, मोबाइल अटेंड करने का, तो आप उनको करने दीजिए बिना रोक टोक, बिना उनके दिमाग में बार बार कुछ 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 किए। तो आपको उनको फ्री रिलैक्सेशन अपना उनका टाइम देना है ताकि वो रिलैक्स हो और आपके पीछे से उनको नेगेटिविटी ना आए, उनको ये ना लगे कि यदि चली जाए तो अच्छा। उसके बाद मेन चीज जो आपको करनी है कि दिन भर वो जब मेहनत करते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते हैं, तो उनकी बॉडी में पेन होता है, क्योंकि एक लाजमी है कि इतना कोई मेहनत करेगा तो बॉडी पेन तो होगा। तो अगर रात का सोने के पहले का टाइम अगर आप उनके पैर दबाएं तो ये बहुत अच्छा होता है घर में लक्ष्मी लाने के लिए। कहते हैं कि उनका जो पैर होता है ना वो शनि होता है, और हमारे जो हाथ होते हैं इसमें शुक्र का प्रभाव होता है, तो जब शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो घर में लक्ष्मी आती है। तो अगर आप रोज उनके भले उनके पैर दुखे या ना दुखे, रोज 10 मिनट एक रूटीन बनाएं कि जब वो रात को सोते हैं उनके पैर दबाएं, और जब उनको नींद आएगी आपके हाथों की वजह से, आपके हाथों की हरकत की वजह से, तब देखिएगा कि जब आप बैठे जाएंगी तो आपको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी होगी, बिकॉज अब पैर दबाने वाला कोई नहीं, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। सुबह जब उठते हैं तो उनको बेड्डी दीजिए, उनको उठाने के टाइम पे एक अच्छे से पॉजिटिव नोट पर उठाइए, ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में उठे या नेगेटिव माइंडसेट से उठे, बल्कि जब उठे तो उनके कानों में आप कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, आई लव यू, या ऐसी कोई अच्छी बात आप उनको बोलकर उठाएं ताकि उनका भी पूरा दिन अच्छा जाए। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी कि ये एक टिप पे आप पहले काम करिए। मैं और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, लेकिन एक और बात मैं बता दूं, ये वीडियोस सभी बनेंगे जब आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे कि आपको पसंद आया, इसको शेयर करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ज्यादा अगर इसमें व्यूअरशिप आए तो मैं समझ जाऊंगी इस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए। ऐसे सीक्रेट्स आप सीखना चाहती हैं तो मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। तो पहले इस टिप को अप्लाई करें कि अपने आप को इतना ज्यादा मशहूर कर दीजिए घर पे, इतना ज्यादा काम करें कि वो आपके पीछे पागल हो जाए, वो आपके लिए आपको मिस करे, आप उनको आदत डाल दे रखी, तो अपनी आदत डाले उनको। ये आपका फर्स्ट टिप है, इस पर एप्लीकेशन करिए, उसके बाद की मैं एक टिप अपलोड करती रहूंगी। बाय।